यार यहाँ भैया अभी बता रहे हैं कि फ्लाइट जो है कैंसिल हो चुकी है विस्तारा की। यार कोई मेरे को मेल भी नहीं आया, कोई मैसेज भी नहीं आया, कह रहे कैंसिल हो गई टिकट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो गाइस आज हमको जाना है फाइनली गोवा। तो आज हमारी फ्लाइट शाम को 6 बजे की, तो आज हम जल्दी निकल जाएंगे गोवा के लिए, क्योंकि हम मम्मी पापा को एयरपोर्ट वगैरह सब दिखाऊंगा ना, तो 3 बजे हम निकल जाएंगे। 1-2 घंटे एयरपोर्ट पे मम्मी और को दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे हृदय रेडी हो गए। हृदय रेडी हो प्लेन में जाने के लिए? कैसे उड़ता है एरोप्लेन? गाइस थोड़ी सी दिक्कत ना ये हो गई है कि जो हमने हृदय के लिए कपड़े लिए थे ना हासी से, एक ही पेयर आया जो उसने डाल रखा था, बाकी सारे वहीं छूट गए। चाचू जी को फोन करा कि किसी गाड़ी वाड़ी में रखवा दो, कोई आ रही है तो दिल्ली, लेकिन यार कोई गाड़ी नहीं आ रही अभी, तो अभी फिर नहीं लाने पड़ेंगे इसके लिए 3-4 पेयर मेरे को यहाँ से। यहाँ पर चल रही है पैकिंग, मम्मी जी अपना सामान पैक कर रहे हैं, पापा जी का सामान पैक कर रहे हैं, मम्मी हृदय के कपड़े वहीं रह गए हासी। यार अब लेके आऊंगा। हाँ, और मम्मी जी ने देखो बाल स्ट्रेट कराए हैं गाइस, कैसे लग रहे हैं मम्मी बताना? पूरे स्ट्रेट करा दिए, मतलब ये सिर्फ उससे कराए हैं, प्रेसिंग से। प्रेसिंग करवाई है। हाँ, एक दिन के लिए रहेंगे, क्योंकि मम्मी नॉर्मल आप अच्छे लगते हो ज्यादा, सबको ऐसे ही पसंद आते हो नॉर्मल। ठीक है फिर, मैं तो जाती नहीं यार। कभी 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 अच्छा लगता है। तो गाइस अभी जा रहे हैं हृदय के लिए दोबारा कपड़े लेने, तो मैं सोच रहा था 2-3 घंटे पहले लेके जाऊँ, ताकि मम्मी जी पापा जी सबको एयरपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन अभी यार कपड़ों के चक्कर में और लेट हो जाएंगे, क्योंकि कपड़े हासी रह गए। हम तो वैसे पूरा पूरा ट्रक भर के लाए थे, मतलब पूरी सफारी भर के लाए थे, लेकिन वही रह गए यार। जल्दी आओ जल्दी, टाइम नहीं है यार, आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा आप पे आएगा, आप पे आएगा। तो गाइस अभी हृदय के लिए 2 कोड तो ले लिया मैंने, एक ये वाला कोड सेट ले लिया, एक ये वाला ले लिया, बाकी और देख रहे हैं एयरपोर्ट के लिए कुछ। कौन सा? ये लाइट वाला। यार ये तो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? नहीं अच्छा नहीं है। क्यों? ये दोनों अच्छे हैं, ये लो ये लो, ये भी अच्छा नहीं है। देखो सारों कपड़ों को हल लगाएगा ये सारे कहेगा, देखो ये देखो ये देखो, देखिए एयरपोर्ट लुक तो तैयार कर दिया, देखो मस्त ब्लैक जीन्स और ये लिए ऊपर ब्लैक शर्ट। हृदय इधर मुंह करो, पूरा शक्ल दिखाओ, पूरा घूमो घूमो जल्दी, ऐसे घूमो, अरे पीछे से नहीं आगे से, पूरा घूम गया। अब हृदय के पास ना बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, क्योंकि 4-5 पेयर इसने हासी लिए थे, तो भी हासी से उठा लेंगे, और भाई 3-4 पेयर इसने अब ले लिए। हृदय की एयरपोर्ट लुक आप लोगों ने देख ली थी, अब मम्मी जी भी रेडी हो गए हैं प्रॉपर एयरपोर्ट लुक में, बस पीछे थोड़े से बाल बांध लेंगे मम्मा, और मम्मा ने देखो जूते ये वाले लिए थे हमने, मस्त लग रहे हैं मम्मी जूते, और ये सूट भी अच्छा लग रहा है मस्त। तो एयरपोर्ट पे जाओगे पहली बार, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, तो पहले तो दिल नहीं लगता। अब तो एक्साइटमेंट हो रही है ना, क्या क्या होगा, कैसे कैसे चीजें होंगी। तो पापा जी भी वहां रेडी हो रहे हैं, अभी 10 मिनट में दिखाता हूँ पापा जी जब रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर रेडी हो गए पापा जी भी, आज फिर से पापा जी के बाल सेट करा दिया है, यहाँ पे मस्त नए जूते दिलाए थे पापा को, वो वाले घड़ी भी पहनी आज पापा जी ने, शर्ट पापा मेरे वाली है, लेकिन मस्त लग रही है पता है, भाई मस्त लग रहे हैं पापा जी। यहाँ पर मैं भी अभी रेडी हो गया हूँ, क्योंकि यार लेट ना हो जाए ना, और वो 3:30 बज चुके हैं, लेकिन फ्लाइट तो है हमारी 6 बजे की, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चले जाएंगे। बट मैं सोच रहा था थोड़ा जल्दी जाते तो थोड़ा घुमाता मम्मी पापा और को मस्त। बढ़िया देखो भाई मैंने ये पहने, तो मैंने भी नए जूते मंगा रखे थे, आज ही डाल लिए कि यार चलो गोवा जा रहे तो नए जूते पहनते हैं। तो मम्मी जी ने यहाँ पर बना दिया सबके लिए चावल, थोड़े थोड़े चावल खा लेते हैं। वैसे तो वहां पे सब कुछ फ्री होता है, लॉन्ज एक्सेस वगैरह सब फ्री है हमारा, क्योंकि मेरे को ना कुछ कार्ड्स मिल रखे हैं, उनके ऊपर सारे लॉन्ज एक्सेस फ्री होते हैं, तो उसका भी फायदा उठाएंगे, फ्री वाले लॉन्ज एक्सेस का 2 रुपए लगते हैं बस वहाँ पे, तो वो भी दिखा दूंगा मम्मी पापा जी को कि क्या क्या है ये चीजें। तो गाइस यहाँ पर देखो कितनी अफरा तफरी मच गई है, पूरे कपड़े कपड़े खिंड गए, क्योंकि मैंने अपने कपड़े निकाले, नीचे नीचे दबे हुए थे, और बस अपना लैपटॉप बैग मेन रख लेते, क्योंकि एडिटिंग के लिए सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो ये सब सामान डाल लेते हैं इसके अंदर और चलते हैं अभी। गाइस यहाँ पर सारे बैग्स पैक हो चुके हैं, एक एक बैग है सबका, हम लोग है 4 लोग, तो भाई हृदय हो गया बस, हृदय को हृदय एयरपोर्ट पे उठ जाएगा, तो वहां मस्ती करेंगे। हाँ भाई चले फिर, चले पापा जी, सारे बोलो जय माता दी। बोल भी पहली बार जा रहे हैं हमारे साथ, फ्लाइट में भी पहली बार जा रहे हैं ये भी। अच्छा। हाँ तो अभी ट्रक में रखते हैं सारा सामान, फिर यहाँ से शिवम हमको छोड़ देगा एयरपोर्ट तक, ठीक है ना? और क्या, रिजा भी उठ गया, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज गए हैं पूरे 4 और हम लोग 4 बजे निकल चुके हैं। वैसे तो मैंने 4 बजे व्लॉग डालना था, लेकिन यार अभी एडिटिंग करने का टाइम नहीं है, तो आज व्लॉग थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि एयरपोर्ट पहुंचना पहले जरूरी है यार, तो एयरपोर्ट पे बैठ के एडिटिंग भी कर लूंगा और लोग भी डाल दूंगा। तो एयरपोर्ट जाने से पहले 10-20 रुपए निकाल लेते हैं, कुछ जरूरत पड़ सकती है। तो गाइस मम्मी जी ने तो डरना ही शुरू कर दिया है, कह रहे मैं तो तेरे पास बैठूंगी। और क्या, कुछ आया डर डर लगा, चक्कर चुकर आया तो पास कुछ नहीं आता मम्मी, बस की तरह चलेगा, बिल्कुल बस होती है ना जैसे, बिल्कुल बस ऐसे लगेगा पापा जी बस में बैठे हो। अरे हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, पापा कह रहे मेरे को ट्रक पे बिठाओ, बस पे बिठाओ, प्लेन में बिठाओ, जहाँ मर्जी बिठाओ, कोई दिक्कत ही कोई नहीं, जैसे मर्जी चलो। गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। तो अभी हो गई है 4:30 और आधा घंटा हमको जाने में लगेगा, तो ऑलमोस्ट 5 बजे तक पहुंचेंगे और 6 बजे की हमारी फ्लाइट है। तो गाइस पूरे 5 बजे हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे और हमारी 6 बजे की फ्लाइट है। अंदर एंट्री कर लिया है,
और अरे देखो कहाँ बैठ के जा रहा है, इधर कहाँ बैठ के जा रहे हो ये झूले पे। हाँ मम्मी कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है। गाइस अभी अंदर आ गए तो अभी ले लेते हैं ऐसे बोर्डिंग पास। पहले तो हमारी विस्तारा की फ्लाइट है। ये क्या हो गया? अच्छा आ गया आ गया आ गया। यहाँ से हमारी टिकट्स नहीं निकली है क्योंकि पता नहीं कोई इशू आ रहा है यार यहाँ पे। तो अभी भैया ने बताया कि बी काउंटर पे जाना है, टिकट नहीं मिली अपने को। हाँ वो सामने जाना है अभी। चलो भाई आज तो फुल भीड़ है यार, देख रहे हो फ्लाइट में भी कितने लोग जाते हैं। बस स्टैंड नहीं लग रहा यार। यहाँ भैया अभी बता रहे हैं कि फ्लाइट जो है कैंसिल हो चुकी है विस्तारा की। यार कोई मेरे को मेल भी नहीं आया, कोई मैसेज भी नहीं आया, कह रहे कैंसिल हो गई टिकट। कोई मेल मैसेज कुछ आया ही नहीं यार। नहीं कुछ मैसेज यही फोन में है, इसी में है। टिकटिंग ऑफिस कहाँ है अब? गाइस मेरा तो सारा मूड बिल्कुल स्पॉइल हो गया भाई। रेडी होके आए थे मस्त घूमते, भाई सब खराब हो गया यार, सबका मूड ही खराब हो गया। कह रहे फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई मेल नहीं, कुछ भी पता नहीं यार। सब रेडी होके आए, सब पैक करके आए सामान वान। कुछ तो बताना चाहिए और क्या, बंदा इतनी दूर आया आगे बस अब जाना ही था तो और कहते हैं कैंसिल होगी। तो भाई यहाँ पे अभी सोल्यूशन ये निकल रहा है कि ये लोग बता रहे हैं कि सुबह 11:10 की फ्लाइट है तो 11:10 पे हमको आना पड़ेगा, मतलब आज का हमारा स्टे वहाँ का खत्म हो गया यार। तो गाइस पूरा मूड खराब हो गया है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि ये मेरे को कह रहे हैं कि कल की हम आपको टिकट तो दे देंगे फ्लाइट की, लेकिन आप पहुंचोगे शाम को 5 बजे तक। ये दे रहे हैं मेरे को कनेक्टिंग फ्लाइट की कि आप पहले यहाँ से जाओ मुंबई, मुंबई से फिर जाओ गोवा और फिर वहां से मैं जाऊँ। और मैंने विस्तारा बुक करी थी ताकि इनकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, अभी मेरे को टिकट भी दे रहे हैं एयर इंडिया की। तो बताओ यार क्या फ़ायदा विस्तारा बुक करने का, एयर इंडिया की ऑलरेडी मेरे को सस्ती मिल रही थी, बट हमने विस्तारा की थी कि चलो मम्मी जी और पापा जी और खाते वाते जाएंगे मस्त बढ़िया पहली बार जा रहे हैं, बस सब खराब हो गया यार। और वहाँ पर मैंने अभी 35,000 भी दे रखे हैं, जो हमारा रूम वूम बुक था पूरा विला बुक था, तो वो सारे पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे अगर हम नहीं जाएंगे तो फंस गए अब तो। तो भाई एक ये पर्चा सा दे दिया है जिसमें जो है हमारा अमाउंट रिफंड हो जाएगा जो फ्लाइट का था जो कैंसिल हुई है बस। लेकिन अब वो रिफंड कौन करेगा, वो तो लग गए। चलो सबका मूड अलग खराब हुआ, इतने एक्साइटेड थे पापा जी मम्मी जी सब पहली बार जाने को। कोई नहीं चलो फिर बुक करेंगे दोबारा। तो भाई वापस जिस एक्साइटमेंट से आए थे वापस उसी गंदे मूड के साथ वापस जा रहे हैं यार, क्या करें। पापा जी का तो फुल मूड खराब हो गया, मेरा भी हो गया यार, पैसे का भी नुकसान हो गया आज तो बहुत ज्यादा, बहुत सारे पैसे का नुकसान हुआ आज। नुकसान हुआ नहीं गए वो, इतनी मतलब मूड कितने खराब हो जाते हैं। हरियाणा से आए थे स्पेशल। एक बंदे को कितना वो होता है, हमने जाना जाना यार। हरिजय को भी बताओ फ्लाइट दिखानी थी, मैंने कहा घर जा रहे, कहता नहीं जाना। तो भाई यहाँ जुगाड़ एग्जिट है तो मैम अभी आ गए, मैम एग्जिट कराएंगे यहाँ से तभी एग्जिट मिलेगी हमको। तो सर ने मैम को भी मना कर दिया, कह रहे पास डाल के आओ या पास वालों को भेजो। तो गाइस जिस गेट से, अब तो हंसी आने लगी मेरे को, जिस गेट से अंदर गए थे उसी गेट से वापस बाहर निकाल दिया। जिस गेट से अंदर गए थे उसी गेट से वापस बाहर निकाल दिया भाई। बाहर भी तो नहीं निकाल रहे, बाहर परमिशन लो इनकी, जब आए हैं बाहर बताओ। तो भाई वापस लौट के बुद्धू घर को आए, कैब कर लिया मैंने यहाँ पे, तो अभी कैब से वापस घर को जा रहे हैं भाई। फुल मूड खराब पापा जी का था, पूरा थक चुके हैं भाई बुरी तरह। एक तो इतना ज्यादा ट्रैफिक था। क्या चलाऊं? ये चुन्नी वाला। कौन सा गाना? वो नहीं चलाना मेरे पास। हृदय इतना रेडी होके गया था मेरे पास, आप सुनियो घर जाके, बस यही सुनने को रह गया। तो गाइस मम्मी जी ने जो चावल बना के रखे हुए थे ना वही खा लेंगे अब घर जाके, तो शुक्र है पड़े हैं क्योंकि भाई इतनी तेज भूख लग रही है यार, क्योंकि 4-5 घंटे हमारे खराब हो गए और जा भी नहीं पाए। तो चलो घर जाके वही काम आएंगे भाई। कह रहे हो अब गोवा से घूम के आ गए। यार हृदय भी हंस रहा है, हृदय भी कह रहा है यार क्या पोपट हो गया हमारा, फ्लाइट में जाएंगे। चलो हवाई जहाज में चलो। हाँ कहाँ से लेके चले, तुम आ गए थे ना, नकली में बिठा देंगे इसको। गाइस जस्ट अभी बैठ के मैंने अपनी एडिटिंग कंप्लीट करी है और यार मेरा बहुत आज लॉस हो गया, क्योंकि जहाँ हम लोगों ने वो विला बुक कर रखा था ना गोवा में, वो नॉन रिफंडेबल था। फिर भी मैंने 2-3 घंटे ट्राई किया उनको समझाने की, उनको कन्विंस करने की कोशिश की, बट उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया। तो हमारे वो पैसे भी खराब हो गए, एक दिन व्लॉग भी नहीं आया क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पाया था, एयरपोर्ट पे था, और अब जाके एडिटिंग कर रहा हूँ। तो यार सब कुछ ही खराब हो गया। बाकी प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो, जाएंगे बहुत जल्दी गोवा, अभी तो नहीं, फिर 5-4 दिन में देखेंगे। तो बस थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल फिर से।